नमस्कार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज के विषय में आज कुछ पढ़ाई करना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। और थंबनेल से आप लोगों को पता ही लग गया है कि ये क्लास जो है लेखपाल को फोकस करते हुए बनाई जा रही है, लेखपाल परीक्षा को फोकस करते हुए बनाई जा रही है। और लगभग हम कह रहे हैं कुछ नहीं तो कम से कम 2 महीने तो आपके पास नहीं लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो अगर 2 महीने तक और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है आप हमें फॉलो करते रहेंगे तो जो जो सब्जेक्ट हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे वो सारे चैनल आपके लिए पर्याप्त होंगे, वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए पर्याप्त होंगे और पूरा कंटेंट आपके लिए पर्याप्त होगा पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि जितने भी लोग लेखपाल का एग्जाम देंगे वो कहीं ना कहीं सब मतलब निष्णात लोग हैं, महारथी लोग हैं। पैट एग्जाम के आधार पर, उनके परसेंटाइल के आधार पर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें ज्यादा कुछ पता ना हो सिलेबस के बारे में या किसी चीज के बारे में। खैर, परसेंटेज पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है हर आदमी की अपनी विषय की एक कमजोरी होती है, तो किसी की अगर मैथमेटिक्स अगर बहुत वीक है तो उस व्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय के नियम का पालन करते हुए हम परसेंटेज और जो भी चैप्टर होंगे उनमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा महीन इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करेंगे। बहुत शुरू से चलेंगे तो जिन्हें आता है वो बड़ी जल्दी उबने ना लगे, थोड़ी देर धैर्य बना के चलें। फिर उसके बाद ये है कि सबको एक साथ एक लेवल पे खड़ा करके फिर हम लोग प्रश्नों की पूरी सीरीज जो है वो सॉल्व करें। परसेंटेज की अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज है क्या, तो परसेंटेज क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें पता लगा कि एक बंदा 10 रुपए कमाता है और वो खर्च कर देता है 8 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि बचत कितनी होगी उसकी, 2 रुपए की उसकी बचत होगी। अब ध्यान से समझिएगा कि उसी में से आपसे पूछ लिया जाए कि ये 10 रुपए कमाने वाला लड़का जो है ये कितना प्रतिशत रुपया अपनी आय का खर्च करता है। तो जब प्रतिशत लगा दिया तो सीधी सी बात, हमें केवल एक चीज सोचनी है कि ये 10 रुपए कमाता है तब 8 रुपए खर्च करता है, अगर ये 100 रुपया कमा रहा होता तो कितना खर्च कर रहा होता, इसी रेशियो में। ठीक है, 10 रुपए 100 रुपए से कम है, ये 10 की 1000 रुपए भी हो सकता था, 10,000 रुपए भी हो सकता था, 50,000 हो सकता था, 5 करोड़ हो सकता था, लेकिन राशि चाहे जितनी हो, आय चाहे जितनी हो, जब प्रतिशत खर्च या बचत की बात आएगी तो हम क्या करेंगे कि हमेशा यही देखेंगे कि अगर इसकी इनकम 100 रुपए होती तो ये कितना खर्च कर रहा होता, कितना बचत कर रहा होता, कपड़ों में कितना खर्च कर रहा होता, किराए में कितना खर्च कर रहा होता, ये सारी चीजें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो चूंकि आय 10 रुपए है इसकी, इसलिए 8 रुपए खर्च कर रहा। अब अगर इसकी आय 100 रुपए होती तो ये इतनी आसान फिगर है कि 10 से 100 पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं। हमें पता है कि 10 से हम 10 गुना अगर कर दें तो 100 पे पहुंच जाएंगे। तो 10 की जगह अगर इसकी आय होती कितनी, 100 रुपए, 10 गुनी अगर आय होती तो खर्च भी 10 गुना हो जाता। यानी कि हमने निकाल लिया कि अगर इसकी आय 100 रुपए होती तो ये खर्च कर रहा होता 80 रुपए, यानी कि 80% ये खर्च कर रहा होता लड़का। जब 80% खर्च कर रहा होता तो 20% बचा रहा होता, बचत कर रहा होता। ठीक है, तो बहुत आसान सा चैप्टर होता है परसेंटेज, इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं होती है, ये तो केवल सवालों वाला चैप्टर है कि इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैंने हल करते चले, समझते चले, कुछ बारीकियां लेकिन होती है थोड़ी थोड़ी, उन्हें भी हम लोगों को समझते हुए चलते चलना चाहिए। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल छोटा सा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग अपनी गाड़ी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे, नोट करते चलेगा आप लोग, मान लीजिए कोई कहे कि एक कोई लड़का है उसके हाई स्कूल में 60% नंबर है, 60% नंबर है, तो उसके अंक कितने हैं, है ना, ये आपको पता करना है कि अंक कितने हैं। तो हाई स्कूल का पूर्णांक सभी लोगों को पता होता है कि 600 नंबर का पूर्णांक होता है हाई स्कूल का, तो पूर्णांक हो गया कितना, 600 अंक का। ठीक है, और उसके प्रतिशत कितने हैं,
60% है, उस लड़के के अंक 60% है, बताइए समझ में। तो आप पूछ रहे हैं कि उसके अंक कितने हैं, अंकों का प्रतिशत तो पता लग गया 60, लेकिन अंक कितने हैं। तो हम ये देखें 60% का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब हो गया 100 में 60। 60% का मतलब ये हो गया कि अगर पूर्णांक 100 अंक का होता तो उसके 60 अंक होते, लेकिन पूर्णांक है कितने अंक का, पूर्णांक तो 600 अंक का है, 100 से 6 गुना, बड़े आसानी से पहुंच रहे हैं फिगर पे। और ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में हम लोग को ऐसे ही मिलते हैं कि हम लोग बड़ी आसानी से मतलब उलट पलट करते रहते हैं फिगर को। तो 100 में 60, लेकिन पूर्णांक 100 की जगह कितना है 600, 100 से कितने गुना 6 गुना, तो अंक भी जितने अंक दिए उससे 6 गुने हो जाएंगे, 60 का 6 गुना कितना हो गया 360। ठीक है, छोटा सा ये एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोगों के जो एकेडमिक होते हैं लोग परसेंटेज निकालते हैं, इंटर में 500 में निकालते हैं और हाई स्कूल में 600 में निकालते हैं, बाकी ग्रेजुएशन में सब जगह अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज अगर निकालने की बात होती है तो ऐसे कर देते हैं। अब आप देखें एक चीज और हो जाती है कि जैसे मान लो कोई एक बंदा कहे यार एक लड़का है उसकी उसकी जितनी इनकम होती है उसका 5% वो शेयर मार्केट में लगा देता है, है? इसके कितने मतलब निकल सकते हैं ये देखिएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक हम आपको और बताते हैं कि एक लड़का है वो क्या करता है, अपनी आय का 5% शेयर मार्केट में लगा देता है, 5% की जगह कुछ भी हो सकता है, यहां पे हम 5% लेके चल रहे हैं, 5% शेयर मार्केट में लगा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5/100 शेयर मार्केट में लगा देता है, 5/100 का मतलब क्या हुआ कि उसकी आय 100 रुपए है और 5 रुपया वो शेयर मार्केट में लगा देता है। तो 5% शेयर मार्केट में लगाने का यही मतलब हो गया कि उसकी इनकम अगर 100 रुपए है तो वो 5 रुपया शेयर मार्केट में लगा रहा है। 5/100 को हम क्या करें, काट पीट करते हैं इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 5% का मतलब क्या हुआ 1/20, यानी कि या तो हम कहें कि एक बंदा 5% शेयर मार्केट में लगा देता है, अपनी आय का 5% शेयर मार्केट में लगा देता है, या अपनी आय का 5/100 हिस्सा वो शेयर मार्केट में लगा देता है, या अपनी आय का 1/20 या 20वां हिस्सा वो शेयर मार्केट में लगा देता है, तीनों बात बराबर है। अब मान लो यही बंदा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी इनकम हो 1050 रुपए, ठीक है ना, इसकी इनकम हो गई 1050 रुपए। अभी तक हमें इसकी इनकम पता नहीं थी, हम परसेंटेज में बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर इसकी इनकम 100 रुपए अगर है तो वो 5% 5 रुपए उसमें शेयर मार्केट में लगाता है, लेकिन अब इसने अपनी इनकम बता दी भाई मेरी इनकम जो है 1050 रुपए है, तो 5% के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 100 रुपए में ये 5 रुपए लगा देता शेयर मार्केट में, तो 1050 में कितना लगाता होगा। अब 5% का मतलब हमें पता है कितना होता है, 1/20 होता है, या 5% का मतलब 5/100 होता है, तो इसमें या तो 5/100 का गुणा कर दो या 1/20 का गुणा कर दो, आंसर निकल आएगा। इसमें 1/20 का अगर हम गुणा कर देते हैं यानी कि अपॉन में 20 अगर हम कर देते हैं तो ये हो गया 105। अब 105 का हमें आधा करना है, जब विषम संख्या का हम आधा करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो 105 विषम संख्या, छोटी छोटी चीजें समझते चलते हैं, तो 104+1 इसे लिख सकते हैं। अब 104 का आधा तो हम आसानी से कर सकते हैं 52, ठीक है, और 1 का आधा कितना हुआ 0.5, यानी कि 52.5 रुपए ये शेयर मार्केट में लगा देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी विषम संख्या का अगर हमें आधा करना है तो हम क्या करेंगे कि उसमें से 1 कम करके बाकी सम संख्या मिल जाएगी, सम संख्या का हम आसानी से आधा कर सकते हैं और उसमें 0.5 लगा के उसे लिख देते हैं। बहुत ही कॉमन नियम है, आप लोगों को आता भी होगा पहले से। छोटी छोटी चीजें देखिएगा, जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि 625 रुपए का 8% ज्ञात करो, 625 रुपए का 8% ज्ञात करो,
तो 625 रुपए का 8% हमें पता करना है। ठीक है, देखिए बोरियत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको तो सब आता है इसके अंदर जो भी बताया जा रहा है, तो शेयर कर दीजिए, जिसे नहीं आता होगा उसे पता लग जाएगा और आपको थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और वो पुण्य हो सकता है लेखपाल की परीक्षा में आपके सिलेक्शन में भी काम आने। इसलिए इस तरीके के छोटे छोटे पुण्य प्रताप आपको लेते हुए चलते रहना चाहिए। ठीक है, देखिएगा 625 रुपए का 8% हमें पता करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, फिगर अगर रिलेट करेंगे तो हो ही जाएगी, लेकिन चूंकि पहली नजर में वो रिलेट नहीं हो रही है तो हमें अनावश्यक दिमाग नहीं लगाना है। हमारा उद्देश्य है परीक्षा में जो सही आंसर है उस पर टिक करना, हमारा उद्देश्य वहां पर गणित के दांव पेच दिखाना नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी एक्स्ट्रा नंबर किसी को मिलने वाला नहीं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अगर पेपर में आता है और आप वहां दांव पेच दिखाने लगते हैं ये मूर्खता होगी। केवल इस क्वेश्चन का एक ही उद्देश्य है कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। तो आपको क्या करना है, 625 रुपए का 8% निकालना है, तो 625 इंटू 8/100 आपको कर देना है, छोटा सा है। 25 से अगर हम काट लेते हैं तो 25 को 100 होता है, 25 एकम 25 होता है, 25 पंचे 125 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 12 हुआ 125, 25 पंचे 125, 4 से 8 काटे 2, 25 दूनी 50 रुपए है तो रुपए लेंगे, ठीक है ना। तो 8% कितना हो गया, 50 रुपए, 625 का 8% 50 रुपए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बच्चे भी लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब इतना देखने के बाद अब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन ना आ रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से चलते हैं एक बार, छोटे ही छोटे क्वेश्चन आज इस वाली क्लास में हम लोग केवल बहुत छोटे क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटे। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में हम लोग छोटे क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं, बहुत सी कॉमन ऐसी चीजें होती हैं। अब कह रहा 12.5% को भिन्न में बदलो, 12.5%, 12.5% इसे क्या करना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कहते 25% को भिन्न में बदलो या 50% को भिन्न में बदलो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि 50% की अगर हम लोग बात करें तो मुहावरे के रूप में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि यार चलो हम लोग बिजनेस चालू करते हैं 50-50 के पार्टनर हो जाएंगे। तो 50-50 का मतलब हम लोग जानते हैं कि 50-50 का मतलब 50% के पार्टनर हो जाएंगे, और 50% का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि आधे आधे के पार्टनर हो जाएंगे। और अभी हमने आप लोगों को बताया ही था कि 5% का मतलब 5 में 100 से भाग कर दो तो 1/20। तो 50% का मतलब क्या हुआ कि 50 में अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो 1/2, यानी कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जितना परसेंट है उसमें हम 100 से भाग कर देते हैं। अब देखिएगा 25% की अगर हम बात करें तो 25 में हम क्या करें, हम सीधा सीधा 100 से भाग कर दें और काट दें इसे, तो कितना आ गया 1/4। कहीं कहीं इसे भी हम लोग मुहावरे में करते हैं कि 25% निकाल लिया यानी कि 1/4 निकाल लिया किसी चीज का, बात आ रही है समझ में, यानी कि भिन्न अनुपात प्रतिशत ये सब चीजें एक ही चीज है, ये कुछ भी अलग नहीं है। क्या आप सोचेंगे भिन्न अलग है, अनुपात अलग है, प्रतिशत अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीजें बिल्कुल एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। 12.5% की अगर हम बात करते हैं तो 12.5 का मतलब क्या हुआ, 25/2, ठीक है, और इसमें हम 100 से भाग कर दें यानी कि 1/100 कितना हो जाएगा 1/8, इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी 1/8, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए, जब इतनी चीज आप लोगों ने समझी है, बाय चांस की बात ये एग्जांपल आपके सामने आ गए कि 2 का मतलब होता 2 की पावर 1, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या का अगर हमें आधा करना है, 2 से अगर हमें भाग देना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का हम आधा कर देते हैं।
किसी संख्या में अगर हमें चार से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का दो बार आधा कर देते हैं। जैसे मान लो 100 है, आपसे कहा गया 100 का आधा करो, तो कितना हो जाएगा, 100 का आधा हमने सीधा बोल दिया 50। अब आपसे कहा गया कि 100 का 1/4 करो, चौथाई करो, 100 में 4 का भाग दो, तो हम क्या करेंगे, 100 का दो बार आधा कर दें। 100 का एक बार आधा किया 50, दोबारा आधा किया कितना हो गया 25। यानी कि अगर इसमें हमने 2 से भाग किया तो 50 आया, इसमें अगर हमने 4 से भाग किया तो कितना आया 25 आया। अब कहा जाए 100 में 8 से भाग करो, तो 100 का 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि 100 का 3 बार आधा करना है, तो एक बार आधा किया 50, दोबारा में आधा किया 25, और 25 का आधा कितना होता 12.5, यानी कि तीसरी बार में आधा किया तो 12.5, यानी कि अगर हम 100 में 8 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12.5 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए 16, तो 16 मतलब 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 बार आधा कर दो, 3 बार आधा करने में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12.5 या कितना हो जाएगा 6.25, 6.25 भी हो जाएगा। और इसी तरीके से हम और करते चलेंगे। ये बात केवल 100 की नहीं है, जिस भी संख्या में इस तरीके से हमें भाग देना हो तो हम इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि हिसाब किताब देखिए, अगर हम ये माइंडसेट करके बैठेंगे कि हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम एक अलग प्रेशर में होंगे, और अगर हम चीजों को हिसाब किताब की तरीके से अगर हम लेके चलेंगे तो हम बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से चीजों को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके सामने हुआ कि 12.5%, 25%, 50%, इसी तरीके से किसी भी संख्या के आगे परसेंट लगा है और कहा जाए कि इसे भिन्न में बदलना है, तो आप क्या कर देंगे कि उस संख्या में सीधा सीधा आप 100 का भाग कर देंगे और जो भी भिन्न आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के, लेकिन थोड़ा सा उन्हें हम चेंज कर देते हैं। हम आपसे पहले ही बार बार ये चीज कहते जा रहे हैं कि आज की क्लास जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन को कवर कर रही है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, और इन्हीं आसान क्वेश्चन से वो नींव तैयार होगी जिनसे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी समझ लीजिए कि लेखपाल का पेपर है ये, SSC CGL का पेपर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तीर तुक्के चलाने हैं उसके अंदर। इसमें हम कितने भी ऊपर तक पहुंच जाएंगे फिर भी उस ऊंचाई का एक स्तर होगा, गणित की क्लास में खास तौर से। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब मान लीजिए अगर भिन्न आपको दे दी जाती है और कह देता है कि इसे प्रतिशत में बदलिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, अब कह दिया जाता है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, तो एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए 3/8 को प्रतिशत में बदलें, इस तरीके से लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत से भिन्न में हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, और जब भिन्न से हमें प्रतिशत में जाना होता है तो हम भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3/8 में हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 8 से अगर हम 100 में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 से अगर हमने 100 में भाग किया तो हमें मिला 12.5, और 3 गुना कर दो। ठीक है, 12.5 का मतलब क्या होता है 12.5, 12 का 3 गुना हमने किया कितना आया 36, आधे का 3 गुना किया कितना आया 1.5। ठीक है, तो 36 और 1.5 कितना हो गया 36 और 1 = 37, 37.5, तो हमें कितना मिल गया आंसर 37.5। ठीक है, सॉरी 37%। तो बात आई समझ में कि अगर भिन्न को अगर उसमें बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे, और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग कर देंगे। ये बेसिक तरीके कुछ हुए, एक आध तरीका और देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ये बोल देता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि राम का वेतन 630 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
राम का वेतन 630 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया। पहले कितना था? 630 था, अब कितना हो गया? 700 हो गया। ठीक है, तो 630 में कितना बढ़ा दिया? 70 रुपया बढ़ा दिया। ठीक, 630 में 70 बढ़ाया गया, यानी कि 70 बढ़ाया गया 630 में। यह वृद्धि हो गई, और वृद्धि प्रतिशत यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये आज का हमारा इस जो मतलब इंट्रोडक्शन परसेंटेज की इंट्रोडक्शन क्लास जो थी उसका लास्ट क्वेश्चन आज का था। इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा। और अगली क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है परसेंटेज के, जहां से भी मिलेंगे उन क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पहले ही ये कह चुके हैं कि लेखपाल परीक्षा के लिए जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनका बेसिक कोई बहुत ज्यादा वीक नहीं है, वो पहले भी परीक्षाओं को निकालते रहे हैं, फिर से अब पीटी भी एग्जाम उन्होंने निकाला है और लेखपाल भी वो निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मतलब वीक है मैथमेटिक्स में या कुछ भी है। लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए थी कि आप ब्रीफ हो ले बहुत अच्छे तरीके से, कि आगे जो अब आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के लिए एक हल्का सा एक हमें रमा होना बहुत जरूरी था बड़े आसान आसान क्वेश्चन से, तो वो हमने करने का पूरा प्रयास किया है। आपसे पहले भी मैं कहता रहा हूं कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो समाप्त होने वाला है इसलिए लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, शेयर करना बिल्कुल भी भूलिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।